हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज सबके लिए मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। किसी छोटे से गाँव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या होने के कारण उसके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इस लालचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता था और पैसे कमाने के नए नए तरीके के बारे में सोचता रहता। सखी इसके हालत को देखते हुए इसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ मुर्गी पालन के सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी, इससे तुम अपने परिवार का भरपेट खाना खिला पाओगे। यह सुनकर किसान खुश तो हुआ, लेकिन बोला कि भाई, मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं है, ऐसे मैं क्या खाऊंगा। किसान की यह बात सुनकर उसका दोस्त बोला, भाई इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़े पैसे मुझसे ले लो और दो चार मुर्गी खरीद लो, बाद में जब पैसे आ जाएंगे तो मेरे पैसे लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर किसान राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने 5-6 मुर्गियां खरीद ली, बाकी जो पैसे बचे उन मुर्गियों के लिए दाना ले लिया। मुर्गी और दाना लेने के फौरन बाद वह घर की ओर रवाना हो गया। आखिर खेत पर भी तो जाना था। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियां ले आया हूँ, इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना। कल से जितने भी अंडे देगी उन्हें बेचकर थोड़ी सी कमाई हो जाएगी। पत्नी के बाहर आती ही वह मुर्गियां और मुर्गी के दाने के साथ हाथ में थमाकर खेत की ओर चला जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद जब किसान वापस लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी ने मैले कुचैले कपड़े की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में सोने की चूड़ियां और गले में मोतियों का हार था। यह सब देख उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी ने हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, जय सब क्या है, कैसे और कहां से आया जय सब। पत्नी मुस्करा कर बोली, बस यूं ही समझ लो कि ईश्वर की कृपा बस चली है। किसान फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो गया। पत्नी बोली, आप जो मुर्गियां लाए थे उससे एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। यह सुनते ही किसान एकदम उछल पड़ा और कहता है, क्या सच कह रही हो। पत्नी कहती है, हाँ सच में, तभी तो यह सब आया है। पति के हाथ में रुपए से भरी थैली थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश तो हुआ बहुत, लेकिन तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके लिए वह सुबह तड़के ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है, तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देख वह खुशी से फूला नहीं समाता, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वह अंडे को हाथ में उठाकर और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की यह बात सुनकर पत्नी कहती है, पागल हो गई क्या, एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन सकता है, लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना पड़ा है। पत्नी के इस तंज पर किसान कहता है, सोचो जब यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्या एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकल लिए जाएं। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात जच जाती है। वह भागकर एक तेज धार वाली चाकू ले आती है। किसान पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी के पेट फटते ही मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता। यह देख किसान और उसकी पत्नी
फिर बहुत पछताते हैं। इस कहानी सीख यह मिलती है, सोने का अंडा देने वाले मुर्गी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी मनुष्य को जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला है। तो आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।